सदगति मिले, वैकुंठ लोक मिले, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। आज इस दुख की घड़ी में मैं अपनी बहन जी को शिवरात्रि दोषों कह रहा हूँ। कहते हैं कि माँ और बहन, इससे ज्यादा समाज में आपके साथ कोई प्यार नहीं कर सकता। ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना लालच के प्यार करते हैं और सदा ही आपका साथ देते हैं। दो लाइनें मैंने बहन के लिए लिखी कि अपने खाने में से मुझको खिलाती, अपने खाने में दुख की कड़ी में मैं रब को बेनती करांगा कि साड़ी भैन जिन्हों मैं कदे मिलिया नहीं, बट उस परिवार को देखते हुए
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁਸਤੇ ਸੱਜਣੋ ਹਰ ਸਭਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਜਾਏ ਔਰ ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਹੇਤੂ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਂ ਕਹਿਲਾਨੇ ਕਾ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਨਨੀਯ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਜੁੜਵਾ ਬਹਿਨ ਕਹਿਲਾਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮੈਂ ਇਨਕੀ ਫੋਟੋ ਕੋ ਧਿਆਨ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜੈਸੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਕਰਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾ ਵਰਣਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਆਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਉਨਕੇ ਸ਼ਰਧੋਂ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੁਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਯੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸਕਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੋ ਬਹਿਨੋ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਨਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੋ ਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਟ ਬਰਿਕਸ਼ ਕੀ ਭਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਉਨਕੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰੁਣਾਮਈ ਔਰ ਵਾਤਸਲਯ ਸੇ ਪੂਰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਪਾਲਨ ਕੀਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਵੋ ਜੁੜਵਾ ਬਹਿਨ ਥੀ। ਪਰਮਾਤਮੀ ਮੰਚਲ ਪੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਜੁੜਵਾਂ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਵੱਡੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸਕਦੇ
ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ Hey.
अमृतवाणी अमृत के नाम
यज्ञ तप ध्यान योग ही ध्यान
बन कुटिवास अति वैराग राम राम बिना नीर जपो राम राम जप तन राम जाप परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुखरा राम जाप करियूं के करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरणी राम राम मंगल जपना है सो गतर नेम तप तपना राम जाप सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि हर नव निदान दाता राम है सब सुख कान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जपने केदार राम राम श्री राम ध्यान है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरे सहज परम यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत भो नाम चिंता निरत अमोल राम राम महिमा कुंडलनी बोते शुचमन कोले राम मध्य अमृत रस कोले उपजे नाले जब अज पाजाप विदय शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जमी रमावे राम राम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे शुभ संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला पावन परम पार राम राम जप याग सफल सिद्धि कर साधना राम राम निज दिन वकान तामस योगी सिद्ध जपते राम राम नम सुख कर भावन भक्ति भरे भजनी भजते राम राम रमणीक भजते भक्त भाव भयो जम जप का मिथ्यावाद विवाद विरो मिथ्या वरण का निटोल मिथ्या लो दुर्गण दुख कान राम नाम जप सत्य निदान हुआ जो राम से जग विस्ता पालनारूप शक्ति चेतना नर सब रूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण राम विश्राम राम राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधे रहस्य से
करिए गमना गम के गान राम जाप जो करना निहाल सो ते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम राम मामाला जगता नरक कार पैताला जपते राम राम जप पाठ जलते कर्म बन यतगाड़ नान्य भांडा भया अपंग पूते मन का राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधार सिसाग राम नाम ज्ञान गुण आग राम नाम श्री राम भव सिंधु में अतुल जात राम नाम सब तीर्थ स्थान राम राम जप कर्म राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल
विमलया पाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख लासे राम नाम गत भीतर बसे साम सास नस नस से सपने में भी न बिसरे राम 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 श्री राम 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 के मेल से सज जाते सब काम देव देव देवे रदा राम मुझे भरोसा तेरा राम रामायण
ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीव का जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है, जो संसार में आया है उसने जाना आवश्यक है। जीव कहाँ चला जाए, किस स्थिति में जाए, ये नहीं जानता है। परंतु कोई भी प्राणी इस बात से अनभिज्ञ नहीं कि मुझे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। जब ये बात निश्चित है तो फिर संसारिक जीव संसारिक प्राणी उस सफर की तैयारी में क्यों नहीं रहता। कहता हुआ कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो इस सत्य को स्वीकारता हुआ कि जीना झूठ है मरना सच है, तो फिर उसकी तैयारी में रहता है बुद्धिमान व्यक्ति। हर घड़ी हर पल हर श्वास मेरा उस प्रभु के नाम में बीते, परमार्थ में बीते, परोपकार में बीते, मेरा यह जीवन सार्थक हो जाए, बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रयास में रहता है। संपर्क में आया निश्चित रूप से उस माँ के दुलार से वो वंचित नहीं रहा। माँ का छिन जाना बंधुओं बहुत बड़ा एक जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। संबंध सभी अपने आप में पूरे हैं, परंतु एकमात्र संबंध ऐसा जिसका कोई और सब चीज छूट नहीं। माँ का प्यार केवल मात्र माँ दे सकती है, माँ का दुलार केवल मात्र माँ दे सकती है। परंतु उस तथ्य को स्वीकारते हुए कि जाना अवश्यंभावी है, हम चाह करके भी उस जाने वाले प्राणी को नहीं रोक पाते, उस प्रभु के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में करबद्ध नमन करता हुआ निवेदन करता कि अपनी मधुर वाणी से शास्त्रों के माध्यम से कि कोई मात्र इस संकट के इस दुख की घड़ी में प्रभु नाम का आश्रय ही एकमात्र सांत्वना प्रदान करने का तरीका है, वही एकमात्र धीरज ढांढस बना सकते हैं। मैं स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करता हुआ करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपनी मधुर वाणी से शास्त्रों के माध्यम से शोक संतप्त के प्रति जहाँ संवेदना व्यक्त करें वहाँ इस दुख से उभरने का धीरज प्रदान करें परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च संत सन्मुख बैठे हुए श्रद्धा नहीं बात सल्लमयी माताएं धर्म प्रेमी सज्जनों, ये दुख की घड़ी है लेकिन शास्त्र ये कहता है, महर्षियों ने जब विचार किया तो ऐसा प्रतिपादन किया ग्रंथों में कि जब व्यक्ति अत्यंत दुखित हो तो बहुत सरलतम ढंग से सूत्र को आत्मसात करता है, चिंतन करता है। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, उपदेश किया
कि वासां सिजिरना नियथा विहाय नवानि गृहणा तीनरो परानी। जब मकान पुराना हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उस मकान का परित्याग कर देता है, छोड़ करके नए मकान का निर्माण करता है। वासां सिजिरना नियथा विहाय, कैसे, जैसे पुराने वस्त्र हो जाने पर व्यक्ति परित्याग करके नया वस्त्र धारण करता है। वासां सिजिरना नियथा विहाय न्यन्यानि संजाति नवानि देही। उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र पहन लेते हैं वस्त्र के फटने पर, वैसे ही जब शरीर पुराना हो जाए तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति नैनम दहति पावकः नैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। आपः आग इसे जला नहीं सकती। आग में तो शरीर जलता है, आत्मा को जलते हुए किसी ने नहीं देखा। नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। पानी इसे डुबा नहीं सकता, हवा इसे बहा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अमर है। फिलोसफी ध्यान न्याय शास्त्र के आधार है, ज्ञान का जो घर है, ज्ञान का जो आधार है वो आत्मा है। जब भी ज्ञान रहेगा तो आत्मा में ही रहेगा, इसलिए आत्मा अमर है। आत्मा में परमात्मा और जीवात्मा दो तरह का भेद आगे वर्णन किया महर्षि कनाद ने। बहुत लंबा विषय है, आप संक्षेप में यह समझ लें कि आत्मा परमात्मा का अंशी स्वरूप है। परमात्मा आत्मा की शोक सभा में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूँ एक सूत्र आपको इस मंच के माध्यम से मिले। हमारे आश्रम में जहाँ अभी मुझे जिम्मेदारी मिली है, मास्टर साहब और सभी लोगों ने मिलकर के नए आश्रम में जिम्मेदारी मुझे मिली, आपके पठानकोट में मौनी बाबा आश्रम की जो हमारे पास है अभी, उसका संचालन मैं लगभग एक वर्ष से कर रहा हूँ। काफी स्थिति बिगड़ी हुई थी 5 साल से, अब तो सुधारते सुधारते लगभग ठीक हुआ है। 1 साल मुझे और लगेंगे, 2 साल के बाद कई ऐसे कार्य वहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल आदि, कई ऐसे कार्य। मौनी बाबा का पता नहीं क्या संकल्प रहा होगा इस आत्मा की। जब मुझे कल सूचना मिली, मैं अचानक मास्टर साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा कि 10 कर्म है उसमें मैं क्रिया में हूँ। मैंने कहा कल ही वो सभा भी है, मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा इस सभा में। एक मैं सूत्र समाज को देना चाहता हूँ संत समाज की तरफ से। आज पूरा समाज, चाहे हम जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, हर मनुष्य इस समय परेशान है। वो कभी ज्योतिषी के पास, कभी पंडितों के पास, कभी साधुओं के पास हम जाते हैं। मूल अगर हम देखें बस यहीं से घर की सारी स्थिति ठीक हो जाती है। और मूलतः सनातन का ये मूल 16वां अध्याय जो गरुड़ पुराण का है उसमें ऐसा लिखा है कि पुं त्रायते इति पुत्रः। कोई माँ अपने पुत्र की कल्पना इसलिए करती है कि पुत्र जल देगा, तर्पण करेगा, पिंड दान करेगा, उससे सदगति हो जाएगी। और ये क्रिया ही अगर हम लोग सुधार लें तो यहीं से हमारे घर के सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है। कभी विशेष रूप में हम सभी बैठेंगे या कभी सभा होगी तो आप वहां पर मूल रूप से इसका श्रवण कर पाएंगे। अपने बुजुर्गों का सम्मान और जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको नमन करते हुए उनका आशीर्वाद अगर हम ग्रहण करें तो हमारे कार्य सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भगवान की कृपा से सदगति मिले, वैकुंठ लोक मिले। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। आज इस दुख की घड़ी में मैं अपनी बहन जी को शिवराज्य दोषों कह रहा हूँ। कहते हैं कि माँ और बहन, इससे ज़्यादा समाज में आपके साथ कोई प्यार नहीं कर सकता। ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना लालच के प्यार करते हैं और सदा ही आपका साथ देते हैं। 2 लाइनें मैंने बहन के लिए लिखी कि अपने खाने में से मुझको खिलाती त
राखी और भैया दूज पे वो जिद्दी बन जाती, राखी और भैया दूज पे वो जिद्दी बन जाती, मेरी गलतियों को माँ बाप से छिपाती, मेरी गलतियों को माँ बाप से छिपाती, मैं हंसता मुस्कराती, मैं रोता चुप कराती, मेरे दुखों पे कुर्बान, मेरा गला भर आ गया, मुझे खुद की बहन याद आ रही, मेरे दुखों पे कुर्बान करती अपनी जान थी वो सबसे प्यारी, मेरी बहना थी, मेरी बहना थी, मेरी बहना थी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि उनकी याद में आ जाएंगे आंसू, हम ना किसी को दिखाएंगे आंसू, कोई देख लेना हमारे दर्दे जिगर को, इसलिए सबसे छुपाएंगे आंसू। हरिओम। हरिओम। दिवंगत आत्मा के प्रति व्यक्त की शोक प्रस्ताव अलग अलग संस्थाओं से प्राप्त हुए हैं। व्यापार मंडल पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव है, थर्ड आई कल्चरल स्कूल की ओर से शोक प्रस्ताव है, सहकार भारती पंजाब प्रदेश की ओर से शोक प्रस्ताव आया है, पायलट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव है, स्वामी दयानंद मॉडर्न स्कूल की ओर से शोक प्रस्ताव है, सर्वत्र खालसा पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, हिंदू सिख एकता क्लब पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव है, आदर्श भारतीय कॉलेज की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, श्री श्याम जी चड्ढा सेनेटर गुरुनानक यूनिवर्सिटी अमृतसर उनकी ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, भारत विकास परिषद की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं परिवार की ओर से सभी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ निवेदन कर रहा हूँ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री स्वर्ण सलारिया जी से, कृपया आए और दो मिनट में अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। श्री माता जी, इस दुख की कड़ी में मैं रब को बेनती करांगा कि साड़ी भैन जिन्हों मैं कदे मिलिया नहीं, बट उस परिवार को देखते हुए ये जरूर महसूस करता, फील करता कि वो किदां दे होंगे जिन्होंने अपने बच्चों भरां नूं इदां दे संस्कार दिते ने, इदां दे आग्ञाकारी भरा, इदां दे लोकां दी भलाई हमेशा सोचण वाले भरा, लोकां दे काम आण वाले मेरे वीर मास्टर मोहना जी, उन्हां दी फैमिली, मैं मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी, मेरे सारे गुरदासपुर के निवासी, मेरे सारे सलारिया परिवार के मैं अपनी तरफों अपनी श्रद्धा के फुल उन्हां दे चरणां च भेंट करता, रब नूं बेनती करना उन्हां दी जगह उन्हां दे चरणां विच होए, उन्हां दी आत्मा नूं शांति दे, हमेशा असीं उन्हां नूं अपने दिलां विच रखांगे, याद करांगे। जय माता दी। कुछ शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, श्री एसपी गुप्ता जी इंटरनेशनल गैस एजेंसी की ओर से शोक प्रस्ताव है, पठानकोट जिला संघर्ष समिति की ओर से शोक प्रस्ताव है, हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, श्री ब्राह्मण सभा जिला पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव है, श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड शास्त्री नगर की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन कर रहा हूँ, परमादरणीय श्री बी डी शर्मा जी कृपया आए और दो मिनट में श्रद्धा भाव दिवंगत आत्मा के प्रति व्यक्त करें। श्री बी डी शर्मा जी, आज की शोक सभा च उपस्थित हुए सज्जनों, हर सभा चाहिए कुछ ना कुछ कहना पैदा है, एक संसारक व्यवहार बनया, लेकिन अखीर च असं ये देखने हैं कि जिस घर च बजुर्ग चले जाए और माता वर्गी छां चले जाए तो उस वेले घर की अवस्था कैसी होगी, और वो माँ जां भैन दादी जां नानी जिसने जो पार्टीशन होया सन 47 च उसके बाद सिर के उत्ते दो पप्पे ला के इधर आए होंगे, तो उस वेले उस बिखरे परिवार को उजड़े उजड़े घर में
ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਔਰ ਮਾਚ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਛ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਮਾਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਪੱਗ ਚਾਦਰ ਪੂਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੂਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਫਲ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਟਿਆ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਈਏ ਲੋਕ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਉਹ ਸੁਰਗ ਜਾਇਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਭਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਸੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਭਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੁਰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਧੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਚਿਤਰਣ ਉਹਨੇ ਕੀਆ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਕਾ ਕਰਮ ਥਾ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਆਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਨਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਟਕ ਕਲੱਬ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਮਹਾਜਨ ਸਭਾ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਆਰਿਆ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ਾਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਨਾਤਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਡੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਗਤਗਿਰੀ ਜੀ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਤਥਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਭਗਵਤੀ ਐਮ ਸੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਇਨ ਸਭੀ ਸੰਸਥਾਓਂ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਤਾ ਹੁਆ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੇ ਕਿਰਪਿਆ ਆਏ ਔਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੇ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ, ਕਿਰਪਿਆ ਆਏ ਔਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿ ਯਹਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਹੇਤੂ
यहाँ आए हैं उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने बच्चों की माँ कहलाने का, और हमारे माननीय मास्टर मोहनलाल जी की जुड़वा बहन कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इनकी फोटो को ध्यान से देख रही थी तो बिल्कुल मास्टर जी जैसे ही दिखते हैं। माँ अपने आप में एक कद्दावर शख्सियत का वर्णन करती है, एक मुकम्मल लफ्ज है माँ। अगर कहें तो बच्चे अगर बड़े भी हो जाएं, बूढ़े भी हो जाएं, तो माँ की नजर में कभी बूढ़े नहीं होते। ऐसे ही जब बेटे ने कहा कि भी माँ मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, आईना बता रहा है, तो माँ कहते हैं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तो बूढ़ा कहाँ हो सकता है। तो इस तरह की शख्सियत का घर से चुपचाप निकल जाना अपने आप में एक सदमा, अपने आप में एक दुख। माँ का कहा ब्रह्म वाक्य, माँ एक धुरी जिसके आसपास उस घर का सारा ब्रह्मांड घूमता है। मास्टर जी के परिवार को इस अत्यंत दुख की घड़ी में आप सभी नेतागण, ब्यूरोक्रेट्स, सभी मित्र परिवार इस शोक सभा में हाजिर हुए, उन्हें अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देने हेतु यहाँ तक आए। इस परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सदा सदा के लिए अंतःकरण से इस परिवार से जुड़े रहने के लिए भी कहती हूँ। सदा सदा के लिए इस परिवार के साथ ऐसे ही बने रहें और अपना आशीर्वाद इन्हें देते रहें। मैं इस परिवार के साथ पिछले 3 दशकों से, लगभग 32 साल से संपर्क में हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार सहित अपने मित्र परिवारों की तरह से, अपने समाज से ये उम्मीद भी करती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार का अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। एसोसिएशन पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव है, सत्यम कलावंश की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, कमल स्वीट्स की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, द फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन एजेंट एसोसिएशन की ओर से शोक प्रस्ताव है, आर्य गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, गौ सेवा समिति पठानकोट गोपाल गोधाम की ओर से शोक प्रस्ताव है, पठानकोट व्यापार मंडल की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से शोक प्रस्ताव है, डॉक्टर राज छोकराल जी की ओर से शोक प्रस्ताव है, अंतिम स्थान स्वर्ग आश्रम शमशान घाट की ओर से होशियारपुर रोड जालंधर की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अपहाज आश्रम जालंधर की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, मठ मंदिर विभाग विश्व हिंदू परिषद पंजाब की ओर से शोक प्रस्ताव है, मुरारी खरारी मंदिर समिति हरियाणा की ओर से शोक प्रस्ताव है, जागो उठो हरियाणा समिति की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं परिवार की ओर से इनके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ निवेदन कर रहा हूँ श्री स्वतंत्र मुर्गे जी से, कृपया 2 मिनट में अपने भाव व्यक्त करें। श्री स्वतंत्र मुर्गे जी, अंतिम प्रार्थना सभा में उपस्थित भाई और बहनों, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, सार्वदेशिक सभा दिल्ली की तरफ से उनके शब्दों चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हुआ, निश्चय ही पतंजलि योग दर्शन के अंदर ये लिखा है, जैसे ही आत्मा शरीर से पलायन करती है सदा ही उसका जन्म हो जाता है, बीच में कोई रास्ता नहीं है किसी बात का, निश्चय ही उन्हें एक अच्छा स्थान मिला होगा। जिस प्रकार का इस परिवार के अंदर, जिस परिवार में वो गई उसने इस परिवार की आभा को बढ़ाया, परिवार की खुशहाली को बढ़ाया, परिवार के संस्कारों को उस परिवार के अंदर भी जाकर के दिया, इसी प्रकार आगे जाकर के भी वो समाज का मार्गदर्शन करेगी और इस परिवार के साथ उनका जो संबंध था, उनकी यादें जो जुड़ी थी वो अक्षय आने वाले दिनों में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय बहन जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। अपने भावभीनी श्रद्धांजलि दिवंगत आत्मा के प्रति व्यक्त की, कुछ शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रामायण ड्रामाटिक क्लब की ओर से शोक प्रस्ताव है, कश्यप राजपूत सभा मेहरा बिरादरी की ओर से शोक प्रस्ताव है, राष्ट्रीय एकता शक्ति संगठन पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,
मैं परिवार की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ निवेदन कर रहा हूँ। श्री अनिल वासुदेवा जी मेयर नगर निगम पठानकोट से कृपया आए और दो मिनट में अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। श्री वासुदेवा जी माता हुआ बहनों माँ के नाम की महिमा मेरे से पहले बोलने वाले कह रहे थे जितना भी कहा जाए वो कम है। एक वट वृक्ष की भांति अपने बच्चों की रक्षा करना, आप कष्ट में रहते हुए उनको हर तरीके का सुख प्रदान करना और करुणामयी और वात्सल्य से पूर्ण वो माता जहाँ उसने बहुत अपने लंबे परिवार का पालन किया, मास्टर जी के लिए तो वो जुड़वा बहन थी लेकिन जुड़वा होने के नाते उन्होंने एक बड़ी बहन का फर्ज अदा किया। मुझे याद है कई बार मास्टर जी के घर जाने का मौका मिलना और बहन जी ने वहाँ पे हर तरीके की सलाह मास्टर जी को बहन जी को और उनके परिवार को देते रहना और ऐसे समय में जो बड़ा कष्टदायक समय था, इतने साधन नहीं थे और ऐसे समय के अंदर पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो के रखने का काम उस बहन जी ने किया और उसके साथ साथ अपने बड़े परिवार का लालन पोषण किया और ऐसा ही मार्ग ऐसे आइडियल उस परिवार के लिए कायम किए जिसके चलते मास्टर जी ने बहुत लंबे समय अभी भी वो पठानकोट की और पंजाब की राजनीति की सेवा कर रही हैं। मैं ऐसे बहन जी को उनका लंबा मार्गदर्शन के लिए परिवार के प्रति जो उन्होंने अपना आइडियल्स परिवार को प्रदान के लिए उसके लिए जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बहन ऐसी माँ सबको मिले जिसके कर्मों के कारण आज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग पठानकोट के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने का साहस और बल हम सबको प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अनिल जी ने बड़े सुंदर शब्दों अपने भावभीनी श्रद्धांजलि दिवंगत आत्मा के प्रति व्यक्त की। कितना संघर्ष में उनका जीवन था इस बात पर उन्होंने चर्चा की। अंत में मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री अनिल रामपाल जी प्रधान जिला भारतीय जनता पार्टी से कृपया आए अपने श्रद्धा भाव दिवंगत आत्मा के प्रति व्यक्त करें। श्री अनिल रामपाल जी परमादरणीय मंच पर उपस्थित स्वामी जी आज इस शोक सभा के उपस्थित मातृशक्ति बुजुर्गों दोस्तों मास्टर मोहन लाल जी ने टेलीफोन पर जो ये गल दसी उन्होंने सिस्टर का देहांत हो गया एकदम विश्वास नहीं होंगे सुन के ये सब कुछ ठीक चलते चलते एकदम समय किस तरह ठहर जाता। फिर जो मास्टर जी के नाल मिले मैं मास्टर जी भी एक गल होर भी गई मैं क्या मास्टर जी थोड़ी भी जिंदगी ऐसी है कि हर रोज़ एक नवे राज खुलते हैं। तुसी दस्या कि तुहाडी सिस्टर जुड़वा सिस्टर तुहाडे तो 12 मिनट वड्डी और ये भी दस्या मास्टर जी ने कि 10-12 साल की एज तक अगर उन्होंने बुखार होंदा सीगा तो इन्हों भी होता सीगा अगर भैन जी को बुखार होंदा सीगा तो मास्टर जी को होता सीगा। सो इस तरीके का संबंध उस ईश्वर ने जो जोड़ के भेजा अज तुसी सब लोग इस परिवार के नाल आए। मैं कितने पढ़ रहा है भगत कबीर जो तब कित होर कर लिया कर वो कहते भी शमशान घाट जाके मैं बहुत कुछ दिसदा है महसूस कर गल है। शमशान घाट के साकार तो निराकार रूप हो जाता अंत तो अनंत हो जाता है। आओ असी उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी सदा सुमन भेंट करते हुए ये जरा सफर है अंत तो अनंत का साकार तो निराकार का उस ईश्वर के नतमस्तक होते हुए ये प्रार्थना करते हुए कि दिवंगत आत्मा स्वर्ण श्री चरणों से स्थान देना आवागमन के चक्कर चो मुक्त करना परिवार को भाड़ा मिलन का बल बचना और इस परिवार वालों आप सब का भैन का भरावान का वक् वक् समाजिक धार्मिक राजनीतिक जथेबंदियों का बार एसोसीएशन का नाते मैं अपने वालों पूरे परिवार वालों
पूरी पार्टी वालों आप सबका धन्यवाद करना। एक होर भी बेनती है इस परिवार वालों कि प्रसाद का प्रबंध किया गया आप सब भाई भाई को निवेदन तो प्रसाद जरूर ग्रहण करते जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित जी को निवेदन करा कि धन्यवाद करना। ऐसा एक अटूट सिद्धांत, ऐसा एक अटूट क्रम है सृष्टि का, उस क्रम के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। प्रभु के श्री चरणों में पुनः पुनः निवेदन करते हुए दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, परिवार को इस असह्य दुख को सहने का बल प्रदान करते हुए सबसे निवेदन, कृपया मिल करके गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति का भाव रखते हुए सभी मिलकर के एक स्वर में गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति ही रसम पौड़ी होगी। सबसे निवेदन है कृपया भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएं। पुनः पुनः परिवार की ओर से सबके प्रति कोटिशा आभार, कोटिशा धन्यवाद।